साथ में लेकर हमें विकास करना जरूरी है। उसके साथ साथ निसर्ग उसकी रक्षा करें। दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरमैन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी आज के मेहमान महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। नीलम जी, नवभारत के सुपरमैन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपको बधाई 8 मार्च महिला दिन के लिए। और हमारे जो श्रोता है, प्रेक्षक है, सभी पुरुष और महिला दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि 8 मार्च सिर्फ एक दिन नहीं है, पूरे साल के लिए ये महिलाओं के लिए सुखियारा और सुरक्षा होने वाला, विकास तरक्की होने वाला साल हो जाए, ऐसी अपनी अपेक्षा है। एक ये सिर्फ नीलम जी, आपने एक डॉक्टर के करियर को चुना और उसमें सफल भी रही, लेकिन अचानक आपकी रुझान राजनीति की ओर कैसे आया, किस तरह से आया? मैं जब विद्यार्थी थी, मुंबई में पोद्दार मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, तब बहुत साल हो गए, लेकिन जयप्रकाश जी नारायण, उनका युवा आंदोलन सब हिंदुस्तान में बहुत जोरों से चल रहा था और पूरे दुनिया में हर जगह पे नव विचार के लोग जो है, नव मार्क्सवादी, नव समाजवादी, इस तरीके के यूथ मूवमेंट के लोग हर जगह पे काम कर रहे थे और मैं भी मेडिकल डॉक्टर पढ़ रही थी। लेकिन उसी समय एक हमारे जो संगठन था युवक क्रांति दल, उससे काम करते हुए यही ध्यान में आया कि मेडिकल में पढ़ तो रहे हैं लेकिन दुनिया के जो पूरे के पूरे कई सवाल है अपने, खास करके देहातों के, वो आरोग्य और हिंसा, इसका बहुत गहरा रिश्ता है। और इसीलिए प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे मैं महिला संगठन का काम करना मेरा शुरू हो गया और उसी में समझ में आया कि कानून में अगर करना है हमें, कानून में अगर हमें परिवर्तन चाहते हैं या महिला पॉलिसी पर काम चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि राजनीति में भी हमको संवाद होना पड़ता है। विधिमंडल में कानून उसको मंजूर होते हैं, पार्लियामेंट में कई योजनाएं बनती है और फिर राजनीति के साथ में जैसे डायलॉग शुरू हो गया, तब हमारे काम के बारे में धीरे धीरे लोगों को जानकारी हो गई। और स्त्री आधार केंद्र और क्रांतिकारी महिला संगठन, ये तो अब भी काम हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 98 में शिवसेना के साथ में मैं जुड़ गई। और क्योंकि आपको पता है कि जॉर्ज फर्नांडिस है या बिहार के अभी जो नीतीश कुमार जी है, ऐसे कई लोग हैं कि वो राइट विंग में कभी नहीं थे, वो सब एक लेफ्ट के नजदीक के रहने वाले, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है, ऐसे समतावादी विचारधारा के लोग थे। तो युवा क्रांति दल के विचारधाराओं को देखते हुए ऐसे लगा कि हमें महाराष्ट्र में ज्यादा काम करेंगे और उसके साथ साथ हमें ऐसा काम चाहिए था कि पूरे दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान का जो गरिमा है, हिंदुस्तान की जो सुरक्षा है, उसके बारे में भी काम करने वाली एक अच्छी संगठन शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे, उनको हम जानते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब मुंबई में कोई भी हमला हुआ तो हर समय बालासाहेब जी को सामने रखते हुए, उनको पाकिस्तान से भी लोग कहते कि हमको एक बंदा चाहिए और वो बालासाहेब ठाकरे हमें दे दो तो हम लोग काफी जिंदगी को संभाल सकते हैं, इस तरीके की उनके बारे में बात होती थी। तो जब उद्धव साहब ठाकरे जी जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, उनकी और मेरी पहली मुलाकात हुई और 2.5-3 घंटा यही बात हुई कि क्या हम महिलाओं के समानता के बारे में क्या सोचते हैं और शिवसेना में मैं किस तरीके से काम कर पाऊंगी। और फिर धीरे धीरे महिला आर्थिक विकास महामंडल की मुझे अध्यक्ष बनाया, जिसको कैबिनेट रैंक भी मिला था, और 4 बार मुझे विधायक होने का फिर मौका शिवसेना ने दिया। तो अभी 20 साल से मैं, एक करियर कहते हैं लोगों की, 20 साल से मैं विधान परिषद में काम करती हूँ और पार्टी की प्रवक्ता, उपनेता, प्रतोद, विशेषज्ञ समिति की प्रमुख और महिला संगठक, वेस्टर्न महाराष्ट्र की, पुणे डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जर्वर, कई कई पोस्ट संभालते संभालते अभी मैं आखिर में उपसभापति तक पहुंच गई कि जो फर्स्ट 5 पोस्ट जो है महाराष्ट्र की, उसमें उनको माना जाता है। वाकई मुझे लगता है 20 साल का जो आपने करियर बताया, वाकई कुछ काफी इंटरेस्टिंग रहा और उतार चढ़ाव भी हमने जरूर देखा होगा आपने अपने करियर में, क्योंकि इस पोस्ट पर पहुंचना इतना आसान तो नहीं था डेफिनेटली। जैसा कि आपने बताया कि आप, एक पहचान आपकी जो हमेशा रही है सोशल एक्टिविस्ट और स्त्री आधार केंद्र की पहचान होती है, तो उसके बारे में अगर आप बात करें तो क्या कहेंगे? एक तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में, मैं ऐसा कहूँ कि स्वतंत्र संगठन है स्त्री आधार केंद्र, वो किसी पार्टी का आघाड़ी या किसी पार्टी के साथ में नहीं है,
मेरे साथ में कई बहने है कि जो 30-40 साल से काम कर रही है और वो किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन स्त्री आधार केंद्र का जो मेन सेंटेंस है वो है समते साथी निरंतर कृति, मतलब महिलाओं को समान अधिकार मिलने के लिए हमेशा कार्य करने वाला संगठन। और शिवसेना का जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें तो आपको मालूम है कि एक हिंदुत्व का विचार है, लेकिन ये हिंदुत्व जो है वो पांडे जी प्रबोधनकारी हिंदुत्व है, मतलब वो हिंदुत्व जो जाति बंटवारा करे ऐसा हिंदुत्व नहीं है बाला साहब जी के बने कभी भी। उनको उन्होंने हर जाति के लोगों को उनकी क्या कास्ट है ना सोचते हुए उनमें क्या गुण है गुणवत्ता क्या है वो देखते हुए उन्होंने उनको हर एक को मौका दिया। दूसरी बात है कि महिलाओं पर सुरक्षा का जब सवाल आता है तब तो शिवसेना हो या स्त्री आधार केंद्र हो, कई मुद्दे ऐसे हैं कि उसमें तो राज्य घटना के मुताबिक काम होता है कि जैसे कि कानून का अमल में लाना है, उनको विधिमंडल में आवाज उठाना है, कोई स्कीम है, तो ये सब काम करते करते सबसे बहुत होता है विरोध समाज में। ऐसा है शुरुआत में कोई नई बात होती है, महिलाएं पढ़ती भी है स्कूलों में तो कई जगह उनको तकलीफ दी जाती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल है, दहेज का सवाल है, कई जगह पे महिलाओं लड़कियों का अपहरण भी किया जाता है। तो ऐसे मुद्दों पर जो हमने काम किया था स्त्री आधार केंद्र ने, उस काम का आगे लेके जाने के लिए बहुत कुछ विधिमंडल के कारण मैं सरकार के साथ, जिन कोई भी मुख्यमंत्री हो गृह मंत्री हो, मैंने ऐसा अनुभव किया पांडे जी की जब मैं खड़ी होकर बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के पुलिस इंस्पेक्टर ने ठीक काम नहीं किया है तो तुरंत उस पर एक्शन हो जाती है। कभी मुझे ऊपर लोगों ने नहीं कहा कि आप ठीक बोल रहे नहीं है, आप वास्तविक बोल नहीं रहे, क्योंकि कभी भी मैंने एक जिसको बदला लेने की भावना से राजनीति में काम नहीं किया। तो जहाँ पे अन्याय होता ही है उसी स्थिति में हम लोग आवाज उठाते हैं, एक थोड़ी रेपुटेशन जैसी हो गई महाराष्ट्र में और लोगों का भी बहुत विश्वास होने लगा। मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगी कि कई महिलाएं तुरंत अत्याचार होने के बाद में मुझे फोन करती थी या पहुंचाती थी मेरे घर में या ऑफिस में, तो मैं पूछती थी कि तुम मेरे पास कैसे आते हो, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, तो वो बोलती थी कि हमको अंदर मालूम हो गया कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसी पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल बोलता है कि आप ताई के पास जाओ। एक भरोसा है ये भरोसा जी, जैसा कि आप कह रही, मुझे लगता है कि उपसभापति का जो पदभार आप संभाल रही हैं तो वो काफी कठिन है, और तो समय तो मिलता नहीं होगा, तो कैसे आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करती हैं? देखिए अभी तो ऐसा है कि फरियादी भी बहुत हैं, लोग पहुंचते हैं आपके दरवाजे, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? तो अभी उपसभापति कार्यालय में करीबन 10 लोगों का स्टाफ है कि जो कोई मतलब किसानों का सवाल, किसान के सवाल है, देहातों के सवाल है, तो हमारे एक सीईओ है अविनाश रणखाम, वो सब काम देखते हैं, और वो कलेक्टर के लेवल पे उन्होंने काम किया है सीईओ लातूर में, तो वो पूरा मराठवाड़ा की जानकारी रखते हैं। इसी तरीके से मिस्टर रविंद्र खेबुड़कर जो है वो सांगली महानगर पालिका के कमिश्नर थे, तो किसी भी अर्बन एरिया के या रेवेन्यू के साथ इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए मुद्दे आते हैं तो उन पर थोड़ा मैं भरोसा करती हूँ और वो भरोसा करके उसका फॉलोअप करते हैं। महिला अत्याचार के बहुत कुछ बहने आती है, मैं उनको ये समझाती हूँ कि सिर्फ हमारे पास आने के बजाय आप पुलिस का भरोसा सेल है, दूसरी महिला संस्था है उनकी भी मदद लीजिए, ऐसे नहीं है कि हम सब मोनोपोलाइज करना चाहते हैं, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड जब होता है तो स्त्री आधार केंद्र में ऑनलाइन भी काम होता है, मतलब हम नहीं हमारे ऑफिस तक नहीं पहुंचेगी महिला, लेकिन वो ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करती है, वो सेवा पूरे कोरोना में भी काम कर रहे थे, हम लोग घर से काम कर रहे थे लेकिन बहुत से बहनों को मदद की उसमें भी। हमारे पास लॉयर भी है स्त्री आधार केंद्र में, वड़गांव डायरी में पुणे में हमारा एक ऑफिस है अच्छा सा जहाँ पे ये सब काम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्व मदद गट, मतलब वो मदद हम करने के बजाय वो जो महिला खुद तकलीफ हो रही है वही एक महिला दूसरे को मदद करती है, इससे धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के साथ में जुड़ा होता है। और पर्सनल और इसका भी बच्ची तो बड़ी है ना, वो अभी परदेश में है, वो बड़े बैंक में काम करती है, जब वो छोटी थी और मेरे बेटी के साथ में मेरा भतीजा जो है वो भी, दोनों कल ही हम लोग रात को झूम पे बात कर रहे थे, तब वो बोल रहे थे कि कहाँ कहाँ हम उनको लेके गए थे, तो कभी उनको याद आया कि किसी जमीन पे बैठ के उन्होंने खाना खाया, पहले बार तो उनको लगा कि लोग जमीन पे बैठ के भी खाना खाते हैं, या उन्होंने ये देखा कि कभी समय मिलता है तो कभी होटल में लेके जाते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में ध्यान रखना। लेकिन घर में मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे मम्मी और पिताजी का, मेरे बहन का,
ऐसे एक थोड़े ज्वाइंट फैमिली जैसे है सब लोग। हालांकि घर के साथ में देखिए कितना भी कोई कहे, लेकिन कोरोना के समय में सबको घर का काम करना पड़ा। मैंने भी काम किया, और हमारी जी जब मेड थी तब मुझे, मैं रोटियां करती थी, तो सुबह फिर मैंने टाइम टेबल बना दिया था कि रोटी करेंगे तब तो कॉन्फ्रेंस कॉल एक जगह चलता है। तो कोई अभी तक तो कोई उपसभापति ने नहीं बोला होगा आप क्या कर रहे हैं, तो नहीं बोला होगा कि मैं रोटियां बना रही हूँ, लेकिन मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ। और उपसभापति का काम संभालने के समय ये भी काम है जो रहते हैं घर के, कितनी भी सपोर्ट सिस्टम हो, थोड़ा बहुत हर एक को देखना ही पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं नारी के पास नारी शक्ति महान शक्ति, क्योंकि घर और बाहर दोनों ही संभाल सकती हैं वो। जैसा कि आपने कहा पुलिस और लोगों को, महिलाओं को आप क्या एडवाइस करती हैं कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, कोई शिकायत है मुझ तक लाने से पहले आप अपने लोकल का जो गवर्नमेंट, जो भी आपके लोकल, चाहे वो पंचायत हो या पुलिस स्टेशन हो, तो आपकी नजर में महिलाओं की सुरक्षा क्या राय रखती हैं आप? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा पर आपकी क्या राय बनती है? क्योंकि आप जैसा कि हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं महिलाओं में एक डर है, महिलाओं में नहीं, कई लोग पुरुष भी इस चीज के लिए डरते हैं कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद पता नहीं सुनवाई होगी कि नहीं होगी, तो महिला के अंदर एक अलग डर होता है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय बनती है? एक तो पहली बात है कि महिलाओं को और पूरे समाज को ऐसी गंभीर स्थिति में जो महिला होती है उसको मदद करनी चाहिए। वो धीरे धीरे हो रहा है, जैसे कि बेल बजाओ कैंपेन होता है कि जहाँ पे कोई महिलाओं को कोई पीट रहा है तो वो घर की बेल बजाती है, तो आसपास के लोग नजदीक आ जाते हैं और पूछते हैं घर में क्या है। हमने भी दीपक जी कई महिलाओं की जान ऐसे बचाई है, तो वो बिल्डिंग में हमने लोगों से ओरिएंट करते हैं, उनको जानकारी देते हैं। तो जब घर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आती है तो हमने लोगों को, मैं आपके माध्यम से बताती हूँ कि लोगों को इतना ही करना चाहिए कि लोगों को पुलिस स्टेशन 100 या 112 नंबर है उनको बोल देना चाहिए। तो कई शहरों में आपका नाम जो है गोपनीय रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है, ये नहीं बोलते कि ये ऐसे ऐसे अपार्टमेंट से फोन आया था। तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो क्या होता है, वो बोलता है नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, हम तो बात कर रहे थे, किसी गलत व्यक्ति ने बोल दिया। लेकिन एक होता है कि उसको ये मालूम होता है पीटने वालों को या सास पीट रही है, उनको मालूम होता है कि अरे हमारे तरफ किसी का ध्यान है, हमारे तरफ पुलिस आ सकती है। तो फिर वो बाहर आके बहुत गाली देते हैं किसने फोन किया ये किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब फिर वो पीटने का कोशिश करता है तब हमने एक सीधी से बात बोली है लोगों को कि आप जाके गुपचुप उनके दरवाजे को पहले बाहर से कड़ी लगाओ और बेल दबाओ, तो उनको लगता है कोई तो आ गया, तो कोई तो आ गया तो महिला की पिटाई बंद हो जाती है। महिलाओं को प्रतिकार करना चाहिए हर बार, वो जो है वो सहन करेंगे सहन करेंगे। और देखिए दीपक जी, अपने इसमें समाज में बहुत प्रेशर रहता है, किसी भी हालत में वो उसको एडजस्ट ही करना है औरत को ही। मैं थोड़ा दुमत रखती हूँ, मुझे हमारे यहाँ भी 10 केस आते हैं तो 6 केसेस में समझौता होता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द वुमन्स लाइफ। मतलब उसकी जिंदगी को खतरा है, उसको कोई तकलीफ दे रहा है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो माता पिता और भाई बहन और खास करके भाई की बीवी, उसका भी बहुत ये फर्ज बनता है कि वो बहन के साथ खड़े रहे। कई बार ये हो जाता है कि वो लड़की मर जाने के बाद में कोई आके बहुत रोता है, लेकिन वो जब बोलती है कि मुझे तकलीफ दे रहे हैं तो कोई जाता ही नहीं। ऐसे हमारे समाज में स्थिति में जैसे बंद दरवाजा इस तरीके से भी लोग हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, और कई लड़कियों की जिंदगी भी हमने बचाई है, हम कहते हैं कि शायद उसको दूसरी बीवी मिल जाएगी लेकिन आपको बेटी दूसरी नहीं मिलेगी। तो कई अभी पेरेंट्स ऐसे भी है कि वो लड़की के पूरे का पूरा सम्मान रखने के लिए कोशिश करते हैं और नहीं होता है तो फिर आखिर में कोर्ट में जाना ही पड़ता है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 498 है, उसमें थोड़ा बहुत हर कानून का दुरुपयोग करने वाले भी लोग हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है। और जी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि पुरुष वर्ग भी अपनी गलती समझ रहा है, क्योंकि पुरुष वर्ग अपना जो है ना भारत का, वो परदेश में जाकर बहुत घर में काम करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में उनको लगता है कि वो चाय का प्याला भी नहीं उठाएंगे। तो थोड़ा बहुत अपने को भी ऑर्थोडॉक्स और मैं कहूंगी कि आउटडेटेड ऐसे नहीं भारतीय मर्दों को पेश आना चाहिए, उनको यह बहुत जरूरी है कि वो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव और जो महिलाओं का सम्मान करते हैं और उसी के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा और उनके बारे में आस्था रखते हैं, इस तरीके के पुरुषों की हम अपेक्षा करते हैं। इसीलिए सिर्फ ये महिलाओं का सवाल नहीं है, महिला सुरक्षा ये पुरुष और महिला दोनों मिलकर जिम्मेदारी है। जी वाकई मुझे तो सोच बदलने की जरूरत है। महिलाओं की शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी जरूरत है, इस पे क्या राय आप रखती हैं? देखिए शिक्षा के बारे में तो पहले लोगों को लगता था लड़की अगर पढ़ेगी तो
अपने खाने के थाली में जो होता है ना अनाज या उसका खाना, उसकी वो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, ऐसे लोगों को डर लगता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पोजिशन पर महिलाएं हैं, और जेंडर पैरिटी जो है, मतलब जो पढ़ी लिखी महिला है वो काफी हद तक पुरुषों के साथ में आके काम कर रही है। अभी आपने कोरोना में देखा कि कई घर में ऐसे हुआ कि अचानक घर के पुरुष जो है कमाने वाले वो चल बसे, तो ऐसी स्थिति में तो घर की महिलाओं को पूरे घर की जिम्मेदारी मालूम होना जरूरी हो जाता है। और इसके लिए अभी ये यस नो ये बात वाली नहीं है, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी ही जरूरी है, और उनको पढ़ाना है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा कमाए, उसी के साथ साथ अपनी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। पढ़ी लिखी औरत है तो घर में स्वास्थ्य की जानकारी रहती है, बच्चों पर संस्कार होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पढ़े लिखे लोगों को और एक दूसरे के साथ में सहजीवन दोनों का भी अच्छा हो सकता है, ये बात हमारे समाज में समझ लेना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ बहुत से लोग हैं वो लड़कियों को सिखाते तो है लेकिन अच्छा हस्बैंड मिलने के लिए सिखाते, तो मुझे लगता है कि अच्छा हस्बैंड तो चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा होगा कि नहीं कैसे पता होगा, सुसंस्कार ही होना चाहिए, ठीक तरीके से काम करने वाला होना चाहिए। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ, जब लड़कियों को पूछती हूँ मैं कि तुम किस तरीके का शौहर चाहते हो, तो कई लड़कियां बोली मुझे ऐसे डिस्कशन में कि वो चाहते हैं कि वो ये गुटखा खाने वाला नहीं चाहिए, फिर दूसरा बोलते हैं कि आए तो साफ सुथरा होना चाहिए, तीसरा बोलते हैं कि उससे ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठीक भी नहीं होना चाहिए, और बाद में क्या बोलती है लेकिन कि अकेला नहीं होना चाहिए। मैंने बोला क्यों, तो अभी लड़के इतने होशियार हो गए हैं, बोलती है अकेला होगा तो सास ससुर की मुझे अकेले कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उससे तो अच्छा होगा तो भाई होगा तो दोनों चेचे पैदा करते हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के देखेंगे मम्मी डैडी को, ऐसी बात नहीं है। अभी कई लड़कियां हैं और दामाद हैं, उनको अपने सास ससुर की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि हम हमारी पूरी परिवार की व्यवस्था जो है हिंदुस्तान की वो संक्रमण हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसा कि आपने महिलाओं की जिक्र किया कि आपसे लोग सवाल कर रहे थे, तो जैसा कि आप जानती हैं कि देश में, और मैं पूरे देश की बात करूं, मैं राज्य की बात नहीं करूंगा, देश में भी और ऐसे बहुत से शहर हैं जहां पे महिलाएं आगे बढ़ना तो चाहती हैं लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपकी नजर में कौन सी चुनौतियां हैं जो उन्हें रोकती हैं? एक सबसे तो एक शब्द है भगिनी भाव, मतलब महिलाओं को एक जैसे श्रृंखला से एक दूसरे से साथ जुड़ते हैं, उस तरीके से उनको जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक अपने अपने में उनमें मन में गर्मियां रहेगी, मन में बहुत उनके घुटन रहेगी, तब वो एक दूसरे की मदद करने के लिए नहीं आगे आ सकते हैं। तो अपनी कहावतें भी कैसी है देखिए, कि जो दो घर में बहुएं हैं तो एक दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता है, तो सिस्टरहुड भगिनी भाव बहुत जरूरी है। दूसरी बात जरूरी है कि गाँव की महिलाएं अगर आगे जाना चाहती है तो उनको ये जरूरी है कि वो संवाद करे, किसी से बात करे, दूसरे महिलाओं से बातचीत रखे। आपके नवभारत नवराष्ट्र जैसे जो अखबार है उसमें काफी घर तक वो पहुंचते हैं अपने घर में, और मैंने देखा है कि हिंदी भाषी में जो बहने हैं तो उनमें अभी भी शहर में अलग है संस्कृति, और बहुत अमीर लोग भी है, ऐसी बात नहीं है कि सब गरीब है, अमीर लोग भी है, लड़कियां परदेश में गई है पढ़ रही है, लेकिन इनको ये जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ वो दूसरे महिलाओं को भी मदद करने की कोशिश करे, और इससे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। फिर जो लड़कियां हैं उनको स्वास्थ्य की और कानून की जानकारी देना बहुत जरूरी है। हम लड़कियों पर इतना प्रेशर डालते हैं कि तेरे को अच्छा दिखना चाहिए, तेरे को अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, और घर में इतना डांटते हैं उसको, तो कई लड़कियां बाद में भाग जाती है और वो बोलती है कि उसने मुझे प्यार से हेयर कटिंग दिया इसके लिए उसके साथ भाग गई। तो लड़कियों को अगर घर में ठीक तरीके से सम्मान देंगे तो इस नौबत आएगी नहीं घर में, ये भी थोड़ा सा जरूरी है कि उनके क्या सपने हैं वो भी लड़कियों के जान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ तक का सफर जो आपने तय किया, इसमें आपकी प्रेरणा कौन है, कहाँ से इतनी आती इंस्पिरेशन? एक तो मेरे पिताजी डॉक्टर दिवाकर गोरे वो शास्त्रज्ञ थे, तो उन्होंने एक सोचा था कि उन्होंने बहुत शास्त्रज्ञ महिलाओं के साथ में काम किया था, तो मैं और मेरी बहन झेलम जोशी वो फार्मास्यूटिकल्स में क्वालिटी एश्योरेंस की चीफ हो गई, और मैंने जब काम किया तो पिताजी हमेशा कहते थे, मेरी माँ ने बहुत संस्कार किए, माँ ने बहुत धीरज दिया,
पहला मुझे इसमें भाषण की स्पर्धा में फर्स्ट में आई, तब भी माँ ने ही मुझे पढ़ाया था कि किस तरीके से तेरे को भाषण करना है, बात करनी है। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये काम मत करो, वो काम मत करो। और मेरी प्रेरणा जो है तो नेताओं के साथ में आम जनता जो है ना, वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो जब बोलते हैं कि हम आपका आवाज सुनते हैं, या हमको धीरज आता है, या कई महिलाएं कि वो मैंने उनको चैट पे मदद की है और वो बाद में मिलती है और कहती है कि आपने मुझे 5 साल पहले मदद किया था, अभी मैं जर्नलिस्ट बन गई हूँ। तो इससे बहुत धीरज आता है कि ये काम की जरूरत है। और बहुत से दोस्त भी है, महिला है पुरुष है उसमें, जिसमें पत्रकार भी है, हमारी कार्यकर्ता है, कि जो लोगों ने हमेशा मुझे इनडायरेक्टली मदद तो की है लेकिन डायरेक्टली भी मदद की है। और अहम बात है शिवसैनिक। मैं हमेशा कहती हूँ कि शिवसैनिक मेरे कवच कुंडल है। जहां पे भी मैं अकेले जाती हूँ, कहीं भी संघर्ष होता है, तो कहीं में से जल्दी से आ जाते हैं और वो खड़े रहते हैं। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं जरूर कहूंगी, कहीं पे कुछ एलिमेंट गलत हो सकता है, लेकिन जो संस्कार है बाला साहब जी के, वो महिलाओं को मदद करने का ही संस्कार लेकर आदिशक्ति, ये काम करने के लिए ही हम ज्यादा शिवसेना का काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस नवभारत की सुपरमैन कैंपेन के जरिए नवभारत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी। मैं कहूंगी कि शाश्वत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास जो है वो चिरंजीवी होना चाहिए। और हमें ये जरूरी है कि हम अपने पानी, जल, वायु, उसी के साथ साथ निसर्ग, इसकी रक्षा करें। और नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब किसी भी पीछे छोड़ते हुए विकास नहीं हो सकता है। सबको साथ में लेकर हमें विकास करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और धन्यवाद इस मुहिम से जुड़ने के लिए। हम और नवभारत का परिवार चाहेगा कि आप इसी तरह महिलाओं की मदद करते रहें। जिस मुहिम को आप चला रही हैं, महिला की सशक्तिकरण, वो भी पूरी हो और हर किसी को सपोर्ट दें और साथ ही उन्हें न्याय मिले। धन्यवाद।